नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा यह टैक्सोनॉमी से संबंधित पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन और मुख्य पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए देख लिया जाए भाई। देखिए टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। क्या है मेरे दोस्त वर्गीकी? वर्गीकी से आप समझ रहे होंगे कि यह क्या है। यह कुल मिला के देखिए प्लांट टैक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी तो दोनों में हो गया वर्गीकरण, क्योंकि जंतुओं का भी किया गया वर्गीकरण, किसका? वनस्पतियों का भी किया गया, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉटनी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी शब्द है, यह टैक्सोनॉमी जो शब्द है ग्रीक वर्ड है। क्या है दोस्त? यह ग्रीक वर्ड है और इसे आल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक बॉटनी, और किसे किस नाम से जाना जाता है? सिस्टमैटिक बॉटनी के भी नाम से जाना जाता है टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नॉमस, ठीक है। दो शब्दों से यह मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नॉमस। टैक्सिस का मतलब क्या है दोस्त? अरेंजमेंट, और नॉमस का अर्थ है रूल अथवा लॉ। लॉ मतलब क्या? नियम। रूल मतलब क्या? नियम, ठीक है। यानी अरेंजमेंट, एक नियम के अनुसार अरेंजमेंट करना, ठीक है। पौधों को एक नियम के अनुसार अरेंजमेंट करना, उसके लिए टर्म दिया गया क्या? टैक्सोनॉमी। अब देख लीजिए इसकी डिफिनीशन क्या है टैक्सोनॉमी की, इसकी बात करते हैं। देखिए टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा। वर्गीकी क्या है? वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? पहचान। नॉमनक्लेचर मतलब नामकरण, नामकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, ठीक है, ऑफ द प्लांट। अब इसको अपनी सरल भाषा में समझिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पहचान, नामकरण और पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, वह टैक्सोनॉमी कहलाती है। अर्थात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूं कि यह समझ गए होंगे। अब देखिए टर्म टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। जो टर्म टैक्सोनॉमी है, मैंने बताया ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और दो शब्दों से मिलकर बना है टैक्सिस नॉमस। तो यह जो ग्री जो टैक्सोनॉमी टर्म है, सबसे पहले किसने दिया? तो टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट गिवन बाय एपी डी कैंडोल। दोस्त यह इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो टर्म टैक्सोनॉमी है किसने दिया? तो एपी डी कैंडोले ने दिया था। किसने दिया था? एपी डी कैंडोले ने। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, अगली खास बात क्या है कि टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट गिवन बाय एपी डी कैंडोले। इसकी तो बात हमने किया, सबसे पहले जो टर्म के है किसने दिया? एपी डी कैंडोले ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, ठीक है दोस्त। कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अब देखिए फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, देखिए कुल मिला के अभी मैंने बताया किसका दूसरा नाम क्या है, फादर सिस्टमैटिक बॉटनी। टैक्सोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? सिस्टमैटिक बॉटनी। थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पर कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी अगर पूछ लेगा तब भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैरोलस लिनियस ही, ठीक है। कैरोलस लिनियस को ही को भी जो सिस्टमैटिक बॉटनी का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगली खास बात क्या है दोस्त कि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। अब सोचिए इंडियन टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? तो सांता पाऊ, सांता पाऊ को इंडियन टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात क्या है कि टर्म सिस्टमैटिक्स, अब यहाँ देखिए सिस्टमैटिक बॉटनी नहीं है, टर्म सिस्टमैटिक्स, ठीक है, और यह क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्त, ठीक है। टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है, और यह जो है सिस्टमैटिक्स किसके द्वारा दिया, जो टर्म है किसके लिए दिया गया? यूज तो किया कैरोलस लिनियस ने, यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमी, किसके लिए? टैक्सोनॉमी के लिए। सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी शब्द नहीं था, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये इन्होंने टैक्सोनॉमी के लिए ही यूज किया था, जो शब्द यूज किया था वो क्या यूज किया था? सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात क्या है कि न्यू टर्म, न्यू सिस्टमैटिक्स, ठीक है, जो न्यू सिस्टमैटिक है, अब यहां तो शब्द है सिस्टमैटिक, अब दूसरा शब्द है न्यू सिस्टमैटिक्स, तो जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म है वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने दिया था। कौन सा शब्द मेरे दोस्त? न्यू सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अब देखिए न्यू सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक में क्या अंतर है? अब देखिए जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, यह कुल मिलाकर कि ये विशेष कैरेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है, विशेष कैरेक्टर के लिए, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कोई पौधे के लिए जो विशेष बातें होती है उससे रिलेटेड होती है, उसी के लिए विशेष कैरेक्टर के लिए यूज होती है। जैसे देखिए कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी किससे संबंधित हो? जो रसायन से संबंधित हो, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है, कुछ का द्रव्य से जो संबंधित हो, वर्गी की जो हो कुछ का द्रव्य से संबंधित हो। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, तो ये जो है ये टर्म क्या कहलाएंगे दोस्त? ये कहलाएंगे न्यू सिस्टमैटिक्स, ठीक है, विशेष कैरेक्टर के लिए जो टर्म यूज होते हैं। अब देखिए अगली खास बात क्या है मेरे दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। अब अगली खास बात देखिए जरा, यहाँ ध्यान दीजिए आप कि देखिए अगली खास बात क्या है कि टर्म स्पीसीज
क्वाइंड बाई जॉन रे, जो स्पीसीज शब्द है, जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे नीचे क्या होता है, स्पीसीज होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीसीज जो होती है, देखिए स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्पीसीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा कि टर्म स्पीसीज है किसने दिया था, यानी क्वाइंड बाई अथवा गिवन बाई जॉन रे, किसके द्वारा दिया गया दोस्त, जॉन रे के द्वारा, यह भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यू सिस्टमैटिक्स जो टर्म होते हैं विशेष किसी करेक्टर के लिए यूज होते हैं, जैसे साइटो लगा दिया गया और कीमो लगा दिया गया, न्यूमेरिकल लगा दिया गया टैक्सोनॉमी के लिए, ठीक है, विशेष करेक्टर्स के लिए। तो उसी तरीके से जब टैक्सोनॉमी देखिए जरा यहाँ पर कितने प्रकार की, यहाँ अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी। अब इसमें अंतर समझिए, अगर आ गया अल्फा टैक्सोनॉमी बीटा टैक्सोनॉमी तब इस कैसे आप समझेंगे। जो अल्फा टैक्सोनॉमी होती है दोस्त, हम आपको बता दें, देखिए जैसे अब हम कह दें एक लड़की है, अब हम लड़की को बाह्य रूप से देख लें, बाहर से देख लें बहुत सुंदर है, वो क्या गर्ल है, बहुत ब्यूटीफुल है भाई, स्माइल करती तो गिर ही जाते हैं, ठीक है। अब उसको बाहर से देख रहे हैं उसको, ठीक है, उसके बाहर का करेक्टर देख करके हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, और उस लड़की के अंदर का करेक्टर हम नहीं देख रहे हैं कि ढीला टाइप का है थोड़ा सा, ठीक है, तो अब उस टाइप को हम नहीं देख पा रहे हैं अंदर से। तो जब बाहर से केवल करते हैं तो देखिए, अब आप समझिए, तो बाहर से जब करते हैं अध्ययन तो उसे अल्फा टैक्सोनॉमी, अगर उसके बाहर के साथ साथ अंदर का भी करेक्टर का अध्ययन करते हैं तब उसे कहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। अब अपनी भाषा में समझिए, यहाँ पर जैसे देखिए, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का पहचानना, ठीक है, और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, मतलब जो बाहर से पौधों का जो करेक्टर दिखे, उस बाहर से पौधों का जो करेक्टर दिखता है उसके आधार पर अगर इसको वर्गीकरण करते हैं, उसका वर्गीकरण कर लें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी, ठीक है। अगर अब यहाँ देखिए बीटा टैक्सोनॉमी, इट हैज मॉर्फोलॉजिकल बट आल्सो हैव जेनेटिकल एनाटॉमिकल साइटोलॉजिकल, ठीक है, तो इस टाइप का और ढेर सारे। तो अब यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ ढेर सारे उसके इंटरनल जो करेक्टर्स हैं उसका भी अगर हम अध्ययन करें दोस्त, शामिल करें, तो उसे कहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी वही गर्ल्स के बारे में ही बताया था कि पहचान कर लेना, कि देख लें कि ये तो सुंदर लड़की है, गोरी गोरी है, क्या बात है गुरु, गोरी गोरी है, कोई लड़का है चश्मा लगाए बड़ा हैंडसम है गुरु, तो उसको बाहर से रूपवा देख करके हम उसको अलग कर दें अगर, तो कहेंगे ये क्या हो गया, अल्फा टैक्सोनॉमी। अब उसके अंदर का भरा है उसका, कहते नहीं है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अब पता नहीं भैया उसका मुंह काला है कि उसका दिल काला है, तो उसका अंतर अंदर की अगर ही बात देख लें बाहर के साथ साथ, तो उसे बीटा टैक्सोनॉमी हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है उसको भी देख लिया जाए। अब यहां ध्यान दीजिए दोस्त, बायोनोमियल नॉमन क्लेचर की बात करते हैं, द्विनामकरण पद्धति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, द्विनामकरण पद्धति के बारे में हम बात करते हैं। अब ये क्या है दोस्त, इसको जरा समझिए, द्विनामकरण पद्धति प्रपोज्ड बाय लीनियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त बायोनोमियल नॉमन क्लेचर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सारी बातें हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। देखिए लिखा है प्रपोज बाय लीनियस, किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, लीनियस के द्वारा, कैलोस लीनियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम, मतलब प्रत्येक जीवधारी के दो नाम होते हैं, ठीक है। बायोनॉमियल, बायो का मतलब आप समझ रहे हैं, बायोनॉमियल मतलब द्विनामकरण पद्धति, मतलब नामकरण भी करा दिया जाए तो दुई नाम रख दिया जाए, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ठीक है, तो सानिया मिर्जा, दुई तोड़ में इसका नाम इनका भी रखा गया, तो हम उनको नहीं कह रहे हैं, मुख्य रूप से हम समझाने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है प्लांट्स के लिए लागू हो रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि बायोनॉमियल नॉमन क्लेचर, लीनियस ने इसे प्रतिपादित किया और बता रहे हैं कि जो इनके आधार, ये बायोनॉमियल नॉमन क्लेचर के अनुसार प्रत्येक जीवधारी के दो नाम होते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम। फर्स्ट नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम होता है उसका, ठीक है, रिप्रेजेंट नेम जिनेरा, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जिनेरा को रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्त, ठीक है। और जो सेकंड नेम होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है, रिप्रेजेंट नेम स्पीसीज, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब यहाँ खास बात समझिए, अभी देखिए हम आपको बता दें, अब जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो आलू का नाम है, ठीक है, सोलेनम और ट्यूबरोसम तो दो नाम है, तो पहला जो नाम लिखा गया सोलेनम, यह इसका जेनेरा है, ठीक है, जेनेरा को रिप्रेजेंट करता है, कि पोटैटो की जेनेरा की बात कर रहे हैं, और ट्यूबरोसम हम बात करें तो इसकी स्पीसीज की बात करता है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, स्पीसीज की। अब यहाँ स्पीसीज तो चेंज भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक खास बात समझिए, यहाँ पर कि द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस रिटेन बाय कैपिटल लेटर। अब जो जीनस का नाम होता है, पहला जो नाम होता है वो किस अक्षर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, ठीक है, बड़कवा अक्षर में लिखा जाता है, समझ रहे हैं। वेयर एज नेम ऑफ स्पीसीज, जो दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है स्पीसीज का नाम होता है, रिटेन बाय स्मॉल लेटर, छोटकवा
अक्षर में लिखा जाता है। जैसे देखिए अब सोलेनम लिखा है, ये क्या है, जेनेरिक नेम है, ठीक है, जेनेरा। और ट्यूबरोसम है, अब ये सोलेनम में यस कैपिटल से लिखा गया है और ट्यूबरोसम में स्मॉल से टी लिखा गया है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि पहला जो नाम लिखते हैं वो कैपिटल्स होता है, जो दूसरा लिखते हैं हम स्पीसीज का नाम वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसा पैरामीशियम और एलिया, पैरामीशियम में पी कैपिटल से है, इसमें जेनेरिक नेम में स्पीसीज में और एलिया में ए स्मॉल से है, ठीक है। इसी तरीके से और देखिए जरा, इसी तरीके से हम आपको बता दें, इसी तरीके से देखिए जरा, अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है सैकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना है, शुगर केन है, ठीक है। सैकेरम ऑफिसिनेरम एनिमल में अब देख रहे हैं आपकी युगलिना विरिडिस जैसे है, दो दो नाम है इसके, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म है टू नेम, ठीक है, फर्स्ट जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम, ठीक है। स्पीसीज जैसे सिड्रस देवदारा देवदार है, फैसियोला हिपैटिका है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम बात करें दोस्त, तो इसमें और खास बात क्या है, ठीक है, उसको भी समझ लिया, थोड़ा समझा जाए। कार्लस लिनियस की कुछ बुक्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, इसको समझिए। जैसे उनकी बुक है सिस्टमा नेचुरी है, स्पीसीज प्लांटेरम है और फिलोसफिया बोटेनिका है, ठीक है। सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसफिया बोटेनिका, एक इनकी बुक है दोस्त कार्लस लिनियस की, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्त, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का प्रकार, ठीक है। देखिए वर्गीकरण के प्रकार में कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के हैं, ठीक है। वर्गीकरण कितने, चार प्रकार, कौन कौन से, यही तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एक है मॉडर्न सिस्टम, ठीक है। चौथा कौन सा है, मॉडर्न सिस्टम, ठीक है। तो ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तो देखिए जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है यह किस पर आधारित है, लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है, जो लीनियस का क्लासिफिकेशन है वह आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर आधारित है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, इसकी जो मुख्य दो बातें हैं वो क्या हैं कि दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन वन और टू करेक्टर, और ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें केवल एक या दो करेक्टर को लेकर के क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, एक या दो करेक्टर को लेकर के। जैसे इसमें हम आपको बता देंगे, जैसे इसमें किसके आधार पर किया गया है, नंबर ऑफ स्टामेन, किसके आधार पर, नंबर ऑफ स्टामेन। आप जानते हैं कि यह मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, स्टामेन्स, इसकी बात करते हैं हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है नेचुरल सिस्टम आप, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किसके क्लासिफिकेशन पर आधारित है, लीनियस के क्लासिफिकेशन, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। और नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो है ये बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है किस पर आधारित है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर, बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन पर आधारित है। और इसकी खास बात क्या है कि प्लांट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी करेक्टर, उसमें तो एक या दो ही करेक्टर को लिया था, ठीक है, आर्टिफिशियल में। अब नेचुरल में क्या कह रहा है कि इसमें जो पौधों का जो वर्गीकरण है वह बहुत से करेक्टर के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगली खास बात क्या है दोस्त, जैसे तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें यह किसके क्लासिफिकेशन पर आधारित है, हचिंसन और एंगलर और प्रेंटल, हचिंसन एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है यह फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। अब इसकी करेक्टर क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया इवोल्यूशन के आधार पर किया गया। जैसे पौधे हैं तो सब जैसे प्रारंभिक समय में जो पौधे उगे फिर धीरे धीरे करके वो उसमें विकास हुआ, फिर बाद में पौधे उगे और विकसित हुए, तो उनको जो पहले विकसित हुए उनको रख दिया गया पहले, जो बाद में विकसित हुए उनको बाद में रखा गया, इसको कहते हैं फाइलोजेनी, ठीक है। कौन से करेक्टर पर, फाइलोजेनी अर्थात लूसन पर। देखिए यहां पर एक अगली खास बात क्या है कि प्रिमिटिव फैमिली प्लेस्ड इन बिगनिंग, जो प्रारंभिक फैमिली थी उसको शुरुआत में रख दिया गया बिगनिंग में, वेयर एज एडवांस प्लेस्ड इन एंड, जबकि जो एडवांस फैमिली थी, एडवांस करेक्टर वाली फैमिली थी उनको कब रखा गया, बाद में रखा गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं भूलिएगा। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस के द्वारा दिया गया, और सॉरी लीनियस के क्लासिफिकेशन पर आधारित है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पर आधारित है, और फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम आप क्लासिफिकेशन हचिंसन या एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन पर आधारित है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। अगली खास बात क्या है उसको भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहां कुछ विशेष बातें हैं, इन विशेष बातों को तो जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यह हमारा पहला लेक्चर है टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन के नाम पर, और इसमें मैंने बताया ना कि भी पांच क्वेश्चन भी शामिल करेंगे मेरे दोस्त, इसको आप देखना ना भूलिएगा, ठीक है। देखिए विशेष बातें में क्या है, ये पैरासिटिक प्लांट, एक परजीवी जो पौधा होता है जो इसका नाम है कुसकुटा, क्या नाम है मेरे दोस्त, कुसकुटा, ठीक है, परजीवी प्लांट्स है, लाइक कोटिलीडन, भैया इसमें बीज पत्र होते ही नहीं है, बीज पत्र होते ही नहीं,
समझ रहे हैं, ये पैरासिटिक प्लांट कुस्कुटा में, ये खास बात है, कुस्कुटा में कॉटिलीडांस नहीं होते, बट इट इज क्लासिफाइड विद डाई कॉटिलीडान प्लांट। जबकि इसको किसमें क्लासिफिकेशन के आधार पर किसमें रख दिया गया, द्विबीजपत्री पौधों में रख दिया। किसमें रख दिया है दोस्त, द्विबीजपत्री पौधों में। तो कुस्कुटा को ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है, इसमें कॉटिलीडान नहीं होता, जबकि इसको डाई कॉटिलीडान प्लांट में रख दिया गया, विशेष बात में, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि द फैमिली कंपोजिटी, कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है, एस्टेरेसी, ठीक है। फैमिली कंपोजिटी है जिसमें आप जानते हैं कि जो भैया सूर्यमुखी उखी आते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि द फैमिली कंपोजिटी अथवा एस्टेरेसी इज कंसीडर्ड कंसीडर्ड एज द मोस्ट एडवांस एंड हाईली इवॉल्व फैमिली। जो कंपोजिटी फैमिली है इसको क्या समझा जाता है, मोस्ट एडवांस, यानी अधिक एडवांस करेक्टर वाला समझा जाता है, एंड हाईली इवॉल्व, सबसे ज़्यादा विकसित फैमिली इसको समझा जाता है। किसको, कंपोजिटी को। तो इसको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, जैसे जंतु वाले में देखा था आपने आर्थोपोडा को देखा था, वैसे इसी तरीके से आपको कंपोजिटी को देखना है मेरे दोस्त, ठीक है। कंपोजिटी अथवा इसका दूसरा नाम है एस्टेरेसी, ये मोस्ट एडवांस और हायर इवॉल्व फैमिली समझी जाती है, ठीक है। अगली खास बात क्या है, इसको देखा जाए, कह रहा है कि द फैमिली कंपोजिटी, जो कंपोजिटी फैमिली है, कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेरा, लो भैया, एंड स्पीसीज, यानी इसी कंपोजिटी में जिसे मोस्ट एडवांस और हाईली इवॉल्व समझा जाता है फैमिली, उसी में कह रहा है भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेरा, इसमें सबसे ज़्यादा जेनेरा होते हैं, और स्पीसीज इसमें लगभग कितनी होती है, 20,000 स्पीसीज होती हैं, ठीक है। अब अगली खास बात क्या है उसको भी देख लिया जाए, लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस, जो पुष्पक्रम होता है सबसे लार्जेस्ट बड़ा पुष्पक्रम किसका होता है, एमॉर्फाइलस का, किसका, एमॉर्फाइलस का, ठीक है। एमॉर्फोफाइलस का जो पुष्पक्रम होता है बड़ा होता है, लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है, ठीक है। अगली खास बातें क्या है दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगली खास बात क्या है मेरे दोस्त, इसको समझिए, लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा पुष्प कौन है, रिफ्लेसिया अर्नोल्डी, ठीक है। आप जानते हैं कि रिफ्लेसिया उल्फिया नाम सुने होंगे, लार्जेस्ट फ्लावर किसका होता है, रिफ्लेसिया अर्नोल्डी का होता है। 1 मीटर इन डायमीटर, इसका व्यास कितना होता है, 1 मीटर का, विथ 2.5 सेंटीमीटर थिक पेटल्स। इसका जो पेटल होता है मेरे दोस्त, कितना सेंटीमीटर मोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। अगली खास बात क्या है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वोल्फिया अराइजा, जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वोल्फिया अराइजा है, कौन है, वोल्फिया अराइजा, ठीक है। अब यहाँ आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि भाई आप पढ़ते ही रहोगे तो क्या करेंगे, कुछ तो आप बताइए, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, सोच समझ कर बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन हम लेकर के उपस्थित हैं, तो चलिए इन प्रश्नों को भी देख लिया जाए। देखिए जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट वाज, पहला जो है महान वर्गीकिज्ञ, अर्थात पहला जो महान वर्गीकी कहलाता है, जो ऐसे कौन से जो है महान टैक्सोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि एंगलर हैं, कि लीनियस हैं, कि अरिस्टोटल हैं, कि जेडी हुकर हैं, कौन हैं, बताइए बताइए कौन है भाई, ठीक है, कि एंगलर हैं, कि लीनियस है, कि अरिस्टोटल है, कि जेडी हुकर हैं। तो चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या है, लीनियस, लीनियस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। देखिए देखिए मेरे दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जेनेरा प्लेंटेरम वाज रिटन बाय, जेनेरा प्लेंटेरम जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जेनेरा प्लेंटेरम बुक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए फटाक से, बेंथम हुकर के द्वारा, कि एंगलर के द्वारा, कि बेसिक द्वारा, कि हचिनसन के द्वारा। ध्यान रखिएगा स्पीसीज प्लेंटेरम को ना समझिए, ठीक है, जेनेरा प्लेंटेरम किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ए बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखी गई, ठीक है, बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखी गई। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्त, इसको देखिए, कह रहा है कि हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ, यानी जो हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार का है, कह रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम है, कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, कि नेचुरल सिस्टम है, कि मॉडर्न सिस्टम है, किस प्रकार का सिस्टम है, चलिए बताइए फटाफट, बताइए भाई फटाफट बताइए किस प्रकार का सिस्टम है। तो चलिए हम बता देते हैं मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है, बी फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज क्वाइंड बाई, जो टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स है किसके द्वारा दिया गया, न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म है किसके द्वारा दिया गया, अभी मैंने लेक्चर में बताया अभी अभी, ठीक है। कह रहा है लैमार्क के द्वारा, कि लीनियस के द्वारा, कि हक्सले के द्वारा, हचिनसन के द्वारा, तो किसके द्वारा दिया गया मेरे दोस्त,
बताइए, फटाक से बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा बता दें हम दोस्त, सीज द राइट आंसर हक्सले द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हक्सले द्वारा न्यू सिस्टमेटिक टर्म दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ब्रांचेस, निम्नलिखित शाखाओं में से, यानी विच आर द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, निम्नलिखित जीव विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से अप्लाइज बोथ टू प्लांट एंड एनिमल, यानी ऐसी कौन सी शाखा है जो दोनों से संबंध रखती है, प्लांट और एनिमल दोनों से, ठीक है। अब बताइए, कह रहा है कि एंटोमोलॉजी है कि वायरोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है कि टैक्सोनॉमी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फटाक से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम बता दें दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? टैक्सोनॉमी इज द राइट आंसर, क्योंकि भाई जंतुओं का भी वर्गीकरण होता है और पौधों का भी वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो दोस्त आज का हमारे यह जो है इंट्रोडक्शन से संबंधित, टैक्सोनॉमिक इंट्रोडक्शन से संबंधित लेक्चर था। आपको यह लेक्चर पसंद आया कि नहीं बताइए आप लोग, फटाफट बताइए भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नए लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।